प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आखिरी दिन जमकर गहमा गहमी दिखाई दी। पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट पर सवाल पूछते हुए सरकार पर हमला बोला, तो बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतना करारा जवाबी हमला किया कि सदन की मेज थापों से गूंज उठी। इसके अलावा सीएम योगी का सदन में आज शायराना अंदाज भी देखने को मिला। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, ईश्वर इनको इसी प्रकार से प्रगति करे और हमेशा विपक्ष में बैठे रहे। वैसे समाजवादियों के कारनामे तो लोग अब तक भूले नहीं है प्रदेश में, वही मस्जिद के मारों की बात करते हैं। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सीएम योगी के हाई वोल्टेज भाषण के साथ संपन्न हो गया। सदन की कार्रवाई के चौथे और आखिरी दिन हल्के फुल्के हंगामे और शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रही। पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसमें एक एक कर विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाए तो सरकार की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया। लेकिन असली हंगामा तो सदन में तब शुरू हुआ जब सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देना शुरू किया। सीएम योगी ने अपने भाषण की शुरुआत ही शायराना अंदाज में की और शायरी के जरिए विपक्ष और अखिलेश यादव पर एक जोरदार प्रहार किया है। उनकी जवान का जादू लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में देखो बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। शेरो शायरी के बाद सीएम योगी ने जब बोलना शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए और पलटवार करते हुए कहा कि विरोधी पक्ष के लोग भी तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर उनको इसी प्रकार से प्रगति दे और वो हमेशा विपक्ष में बैठे रहे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में, विधानसभा में, विधान परिषद में पिछले 6-7 वर्षों में चर्चा पर चर्चा का एक माहौल बना है और पिछले 22 के बाद से तो इसमें और भी अच्छी एक सकारात्मक पहल हुई है और उसमें भी विरोधी पक्ष के लोग खूब तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर इनको इसी प्रकार से प्रगति करे और हमेशा विपक्ष में बैठे रहें। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2023 तक अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार की एक एक कर खामियां भी सामने रखी। हालांकि सदन में इस बार ये देखना सुखद रहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसी ने सदन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।